मुझे समझ नहीं आई कि आजमगढ़ के जो प्रशासक वो मेरे साथ पूरा, क्योंकि सच्चाई थी, मैंने कहीं झूठ नहीं बोला। मेरी बेटी यहीं से गाड़ी पर बैठती रास्ते में गई, निकली है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उसके ऊपर हमने आरोप, मैं कहती हूँ ठीक है मेरी बच्ची पर जो भी कुछ निकला आप मुझे बुलाते, मेरी बच्ची को कहती कि हम नाम काट के आपको दे रहे हैं, आप अपनी बच्ची को लेके आ जाए। लेकिन उसको टॉर्चर किया गया, क्या किया गया मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब वहाँ हम जाते हैं मेरी बच्ची लावारिस लाश की तरह स्कूल के बीच उसमें नहीं रखी गई थी, वो रोड पे लावारिस लाश की तरफ, ना उस पर कोई डॉक्टर था, ना टीचर था, कोई नहीं था। सर क्या ऐसा मेरी बच्ची ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि लोगों ने इस तरीके से किया? और एक माँ बाप की बच्ची चली गई, उसके बाद भी वहाँ के गेटमैन भी इतनी बुरी तरीके से हम लोगों को डांट रहे थे, प्रिंसिपल इतना बेहुदा तरीके का सवाल कर रही थी, क्या बोलते ही मेरी क्या गलती, मैंने उस स्कूल में बस बच्ची को भेजा ही मेरी गलती थी। मेरा बच्चा इतने दिन से अब डर लगता है कहाँ भेजे उसको, किस स्कूल में भेजेगी कि नहीं भेजे, क्योंकि अब तो कोई और बच्चा नहीं है, एक ही वो भी है, बस बेटा 9 साल का बेटा। सर वो तो मेरी बच्ची को देखने तक नहीं गया, कहा मम्मा दीदी हंसते हुए घर से निकले, कैसे जाए देखने उसको, दीदी अब तो कुछ बोलेगी नहीं, मिलेगी कैसे उससे। वहाँ तो हम लोग जब पहुंचे सर तभी धुलाई हो चुकी थी, उसके नीचे कम से कम 20-25 जहाँ बताया जा रहा था गमले भी सरिया के रखे हुए थे। हमने पूछा भी कि अगर मेरी बच्ची यहाँ गिरी थी तो आपने धुलाई क्यों की, तो वो कहे कि बच्चियाँ डर रही थी। एक तरफ ये कहा गया कि वहाँ कोई नीचे नहीं था, जो मतलब उनका आंगन था उस आंगन में कोई नहीं था जब बच्ची अच्छी गिरी, फिर कह रहे हैं बच्चियाँ थी, बच्चियाँ देख के ब्लड को डर रही थी इसलिए हमने दी। जब हम वहाँ पहुँचते हैं सर वहाँ तो इतनी भीड़ थी जितनी यहाँ भीड़ है ना, उससे भी ज़्यादा सर आपकी भीड़ थी, क्योंकि हम लोगों को पहले तो दबाने की कोशिश हुई, मेरे हस्बैंड को जब बता दी तो हम रोने लगे, हमें रोने भी नहीं दिया जा रहा था, हमारे पर्सन ने आपको ये चिल्लाई और मेरे बच्चे को इनको दबा के बैठा लेते हैं, क्योंकि जो जेंट्स टीचर रहते हैं वो दबा के इनको और मेरे बच्चे को बैठा लेते हैं। तब मैं इनसे कहती हूँ ऐसा है कि आप भैया को फोन लगाइए, क्योंकि मेरे बड़े वाले भैया भी जो है वो बगल में ही पढ़ाते हैं, तो हम जब वो आते हैं तब वहाँ के टीचर सब इधर उधर हो जाते हैं, फिर नहीं हट जाते हैं, तब ये पुलिस को बुलाने के लिए। उसके बाद भी सर हमसे कहा जाता है कि हमारी बच्ची की सांस चलने लगी, उसी बगल में यूपी बोर्ड में 34 साल से पढ़ा रहा था। अच्छा जी सर, इनको सर जी इनको तक नहीं बताया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद अगर ये रोक न बताता तो हमको पता ही नहीं। उसके बाद सर मतलब हम लोगों को वहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि जो कैमरे मेरे हटाए गए वो हमारे वहाँ से, क्योंकि गेट पे जो लोग कह रहे हैं मैंने गेट पे देखा है कि गेट पे उस वक्त कैमरा लगा हुआ था, लेकिन हम से कहा गया कि आपकी लड़की की सांस चल रही है। हम बॉडी तक पहुँचते उसके पहले उसकी बॉडी को लाइफ लाइन वो लोग खुद लेके चले जा रहे हैं और हमें और इनको जबरदस्ती उस गाड़ी में बैठाया जाता है। उसके बाद लाइफ लाइन हम लोग जाते हैं तो लाइफ लाइन के गेट के बाहर ही मतलब कुछ दूरी पे ही मेरी बच्ची की बॉडी पड़ी हुई रहती है। हम लोग उतरते हैं, सोचते हैं कि शायद अगर कहीं ना कहीं उम्मीद जग जाती, ये उतरते उसके बाद फिर वहाँ दो लोग रहते हैं, कहते हैं कि आपकी बच्ची को हॉस्पिटल वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि वो डेड है, जबकि सर ये फिजिकल मैम पहले ही बता चुकी थी कि आपकी लड़की मर गई है, ये पहले ही कह चुकी थी। इसके बाद हमको लाइफ लाइन ले गया सर, जहाँ 10 मिनट की रास्ता हमको 40 मिनट तक हमको अपने गाड़ी में घुमाए हुए, बच्ची मेरी पहले वहाँ पहुँची है, हम लोग 40 मिनट तक। और जब हम वहाँ से वापस आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई है और बच्चियाँ जितनी निकल रही थी सर वो भगवान जानते हैं, या तो हम देखे हैं कि बच्चियाँ सब रो रही थी, सबकी आंखों में आंसू था, बच्चियों को निकाल दिया गया जब तक हम पहुंचे स्कूल खाली हो चुका था। उसके बाद हम जब वहाँ पहुंचते तब प्रशासन पहुंची, तब हमने प्रशासन में जो विकास जी हैं उनसे मैंने कहा कि सर ये बताइए मेरी बेटी का कपड़ा फटा है, वो तुरंत मतलब अचंभित हो गए कि बच्ची अगर ऊपर से गिरती है तो क्या कपड़ा फाड़ के गिरी है या कोई उसको धकेलेगा तब या तो फटेगा, ऐसे तो उन्होंने क्या सफाई दी,
कि कपड़ा बहुत टाइट था, बच्ची कूदी और कपड़ा फट गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि एम्बुलेंस में हम बच्ची को लाद रहे थे तब फट गया। जब इसका अभी पता चला 2-3 दिन पहले की, लोग बता रहे हैं कि वो बच्ची स्कूटी से गई है सर, अभी 2-3 दिन से पता चल रहा है। पर वो हॉस्पिटल में तो होगा, कौन लेके आया था हॉस्पिटल के रिकॉर्ड, वो लोग भी मना कर रहे हैं कि हमारे यहाँ आई नहीं थी बच्ची, आई नहीं थी, लेकिन एम्बुलेंस के रामा में ले गए थे, लेकिन एम्बुलेंस जिस एम्बुलेंस में थी उसने ये बयान दिया, ड्राइवर बोला है, हम ही से बोला कि हम पूछे कि भैया आपको मेरी बेटी की बॉडी कहाँ से मिली, तो बोले कि ऐसा मैडम कि हम लोग तो रामा से ही लाए आपकी बच्ची को, यहाँ से कॉल ले गया था, मुझे नहीं लाए थे बेटी। खैर ये तो पूरा जांच में सारी चीजें निकलती आती है सर, इसी जांच के चलते सर दूसरे जिला के तो सौ दी गई सर, उन्होंने उल्टा पुलटा पता नहीं क्या लिखे सर, सब साबित कर दिया कि वो निर्दोष। सर हम लोगों को तोड़ने की कोशिश, सर जांच ट्रांसफर हुआ, पीड़ित परिवार को न बताया गया, इसके बारे में न कोई जानकारी दी गई, इतने बताया जी, हाँ, ये बताया कि जांच यहाँ जो चल रही थी धनंजय मिश्रा ने सर उनको क्यों किया गया, जब हमारे आजमगढ़ में खुद ही जो है कि ईमानदार वो कर रहे थे, हम लोग रह गए, नहीं तो सर हम तो खुद ही नहीं रुक रहे थे, हम तो चाहते थे कि आप आइए, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि मत आपको उन लोगों को मत परेशान करिए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको न्याय दिलाएंगे अगर सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने तुरंत कहा कि जब अगर यहाँ ब्लड धुला गया है तो इसका मतलब कुछ है, तो इन्होंने गड़बड़ किया, बात ही बताओ, क्योंकि धुलाई नहीं करनी चाहिए थी, चाहे कुछ भी था, बच्चियां डर रही थी तो छुट्टी कर देनी चाहिए थी, आखिर में 35 मिनट पहले छुट्टी हुई ना, तो वही उसी टाइम कर देते अगर बच्चे डर रहे थे। चलिए अपनी बात रख दिया है मराठी के पास, तो आप निश्चिंत रहिए, हम लोग कुछ नहीं देखे थे, बच्ची आपके अकेले जाती है, पूछ जाती है, आप बताइए तीन लोगों का नाम, मतलब ये तो ये सब पूरी चीजें एकदम पूरा बिना जांच के जांच तक हो रही थी, लेकिन ये बीच में पता निकला सर अचानक जो है वहाँ पे ट्रांसफर हुआ, तब से सर पूरा जो है मुझे अब मेरी बच्ची नहीं वापस मिली, लेकिन मुझे उसका आखिरी समय जानना है, क्योंकि मेरी बच्ची मेरे गोद में भी अगर दब गई है, यहाँ ठंडक है, सर एक्सीडेंट होता है तो आदमी जाता देख लेता है कि हाँ हमारी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था, तसल्ली आती है, ये तो सर एकदम हम लोग अंधकार में, मेरी बच्ची को लास्ट टाइम हम बैठे भी नहीं करते पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी आपकी माँ को दिखाई तक नहीं गई है सर, मेरी बच्ची बहुत दर्द में गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, तो हम जी नहीं पाएंगे सर, बहुत प्यार से पाले गरीब थे, कभी कुछ नहीं किए थे, जो मांगते थे सब देते थे, हमारी दुनिया सिर्फ हमारी बेटी थी, आज 15 दिन हो गए हम अपने बच्चे से प्यार से बात तक नहीं कर पा रहे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, लोग इतना अफवाह उड़ा रहे कि हमने 1 करोड़ रुपया ले लिया, 50 लाख ले लिया, हमें पैसा नहीं चाहिए सर, सर मेरी बेटी का हुआ क्या, मुझे बस इतना जानना है, आप मुख्यमंत्री जी से भी कहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, एकदम निश्चिंत रहिए, अगर कोई आदमी जितना गुमराह करने की कोशिश करता है वो खुद ही फंसता है, जैसे जो सच है अगर वो सच बात करता कोई भी आदमी, तो जो सच है वो सच है, तो दिक्कत नहीं ना उनको होती ना आपको होती, जो सच है वो सामने आता, लेकिन अगर कोई भी आदमी ऐसा प्रयास करे कि कुछ ऐसा वीडियो बना के कुछ गुमराह करो, कुछ ऐसे कर भी गुमराह करो, या फंसता चला जाता है, तो वो ज्यादा फंसता है, सत्य घेरे में ज्यादा आता है, तो देखिए अब आप लोग अभिभावक हैं और आपके साथ में जो हुआ है उस दर्द को आज हर आदमी समझ पा रहा है, ऐसा नहीं है, सबको ये चीज बहुत दुखद घटना है।